आर्यन ड्रग्स केस में डी कंपनी के कनेक्शन की पड़ताल करनी है। इस मामले में शुरू से ही आरोपों के तीर चला रहे हैं नवाब मलिक। आज उनका सामना महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तलवार से हुआ। फडणवीस आज कुल 28 पन्नों के दो दस्तावेज लेकर नवाब मलिक के खिलाफ मैदान में उतरे। 20 पन्नों का पहला दस्तावेज नवाब मलिक के एक जमीन सौदे से जुड़ा था, जबकि बाकी के 8 पन्नों में सौदे में शामिल किरदारों का कच्चा चिट्ठा लिखा था। इसके आधार पर फडणवीस ने नवाब मलिक के तार अंडरवर्ल्ड से जोड़ दिए। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने 1 नवंबर को ही ये वादा किया था कि वो दिवाली खत्म होते ही नवाब मलिक के खिलाफ एटमी धमाके करने वाले हैं। इसके जवाब में नवाब मलिक ने अब हाइड्रोजन बॉम्ब की चेतावनी जारी कर दी है। आरोपों की इस बमबारी के बीच ही आर्यन ड्रग्स केस की जांच चल रही है। इस जांच का पूरा अपडेट आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले ड्रग्स केस में डी कंपनी वाली डील की पूरी पड़ताल तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में, यानी मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में। 1 नवंबर 2021 फडणवीस का बम फूट गया। आर्यन ड्रग्स केस में देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली के बाद जो बम फोड़ने का वादा किया था, आज उसका धमाका हुआ, जिससे ड्रग्स केस का एक नया एपिसोड रिलीज हुआ, जिसमें ड्रग्स और ड्रामा तो पहले से ही था, अब इसमें डी कंपनी की भी एंट्री हो गई। ऐसी कुल मिलाकर मुझे 5 प्रॉपर्टीज छपड़ी है, जिनमें से 4 में तो 100% अंडरवर्ल्ड का एंगल। ड्रग्स केस में देवेंद्र फडणवीस वर्सेस नवाब मलिक की जंग में आज दोनों ही पूरी ताकत के साथ भिड़े। फडणवीस कुछ दस्तावेजों के साथ मैदान में आए जो नवाब मलिक की एक जमीन खरीद से जुड़े थे। इसके आधार पर फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने के आरोप लगाए। कुछ ही घंटे बाद इसका जवाब देने के लिए नवाब मलिक भी सामने आ गए। ये हुआ है मरियम भाई ब्यूरो ऑफ गोवा वाला मुंदिरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है सलीम पटेल, इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है सलीम पटेल, और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है, दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह अली खान, यानी सलीम पटेल और शाह अली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है, सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। जो 1984 में वहां इमारत बनी, गोवाला कंपाउंड के नाम से जानी जाती है, जिसमें मुनीरा पटेल ने रस्सी वाला को डेवलपमेंट राइट देके वहां पे 140 से 150 मकान बनाकर आम लोगों को बेचे, आज भी वो सोसाइटी वहां पर है। उसके पीछे जो जमीन है उस पे बड़े पैमाने पे झुग्गी झोपड़ी है, और हमारा एक गोडाउन वहां पे है जिसकी सॉलिडस इन्वेस्टमेंट कंपनी की वो लीज पर, जो मुनीरा है उनसे वो लीज पर थी 30 साल पहले से, और आगे हमारी उसी प्रॉपर्टी में 4 दुकानें थी। आप कह रहे हो कि फेक टेनेंसी क्रिएट की गई। देवेंद्र फडणवीस के आरोप और नवाब मलिक के जवाब की पूरी कड़ियां बेहद उलझी हुई हैं, और ये तार डी कंपनी तक कैसे पहुंचते हैं इसे समझना बेहद जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने कुर्ला में दाऊद के गुर्गे सलीम पटेल और सरदार वली खान से जमीन ली। जवाब में नवाब मलिक का कहना है कि जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी सलीम पटेल के पास थी, मालिक मुनीरा पटेल से डील करके जमीन ली थी। फडणवीस का यह भी आरोप है
कि सलीम पटेल और सरदार वली खान से जमीन कौड़ियों के भाव में ली गई, लेकिन नवाब मलिक का कहना है कि कीमत का भुगतान नियमों के मुताबिक हुआ है। पूरी जमीन में एक हिस्सा सरदार वली के नाम था, उस हिस्से का पैसा सरदार वली खान को दिया गया। देवेंद्र फडणवीस ने इसी जमीन के सौदे के तार डी कंपनी से जोड़े हैं और नवाब मलिक को कटघरे में खड़ा किया। मुंबई में बम विस्फोट में हमारे मुंबई घरों के चीथड़े उड़ते हुए हमने देखे, चीथड़े। और सबसे बड़ी बात, मुंबई के गुनहगारों से आपने जमीन क्यों खरीदी? मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी? देवेंद्र फडणवीस का आरोप है कि नवाब मलिक ने जमीन के लिए जिन दो लोगों को पैसे दिए वो मुंबई को सबसे बड़ा जख्म देने वाले गुनहगार हैं और ये बात नवाब मलिक को पता थी। इस स्टोरी में डी कंपनी के ट्विस्ट को समझने के लिए ये जरूरी है कि सलीम पटेल और सरदार शाह वली खान की हिस्ट्री तलाशी जाए, जिससे डील के तार डी कंपनी से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप सलीम पटेल की हिस्ट्री की पड़ताल को देखिए। फडणवीस के आरोपों के मुताबिक सलीम पटेल दाऊद की बहन हसीना पारकर का ड्राइवर था। हसीना पारकर के बॉडीगार्ड और फ्रंटमैन के तौर पर यह काम किया करता था। मुंबई में हसीना पारकर की संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी ज्यादातर केसेस में सलीम के पास ही हुआ करता था। 2007 में जब हसीना पारकर गिरफ्तार हुई तो उसके साथ सलीम पटेल को भी गिरफ्तार किया गया था। दाऊद इब्राहिम के साथ भी सलीम पटेल के फोटोग्राफ सामने आ चुके हैं। सलीम ने हसीना पारकर के नाम पर मुंबई में कई कीमती जमीनों का पर कब्जा भी किया है। सलीम पटेल के बाद फडणवीस ने जो दूसरा नाम लिया वो है सरदार शाह वली खान का। सरदार शाह वली खान की भी हिस्ट्री आप समझ लीजिए। सरदार शाह वली खान मुंबई धमाकों का गुनहगार है, इसे उम्र कैद की सजा हुई है, इस वक्त जो है वो ये जेल में है। मुंबई धमाकों के गुनाहों की लिस्ट में दर्ज है शाह वली खान का नाम, जिसने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और महानगर पालिका की रेकी की थी। जब धमाकों के लिए गाड़ियों में विस्फोटक भरा जा रहा था, शाह वली खान मौके पर मौजूद था, उसने भी गाड़ियों में आरडीएक्स भरा था। शाह वली खान को मुंबई धमाकों की जांच में टाइगर मेमन का बेहद करीबी पाया गया था। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के मुताबिक नवाब मलिक ने करोड़ों की जमीन का सौदा कौड़ियों में किया और ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक जमीन के सौदे में शामिल लोग ही अंडरवर्ल्ड के नहीं थे, बल्कि सौदा ही दाऊद और उसकी डी कंपनी की जमीन को बचाने के लिए किया गया था, इसलिए करोड़ों की जमीन महज कुछ लाख रुपए में बेची गई। और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनेगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दे दी? सवाल यह उठता है कि इनके ऊपर टाड़ा था, टाड़ा उस समय ये शायद बेल पर बाहर आए होंगे, इसलिए वो कर पाए, वो अभी उसमें असर्टन नहीं कर पाया, इनके ऊपर टाड़ा लगा था। और टाड़ा का अगर आप कानून देखें तो टाड़ा के कानून में टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है, उसको सरकार जब्त करने का प्रावधान है। तो क्या ये टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर की गई? जो खान फैमिली थी, पठान फैमिली, जो वहां के वॉचमैन थे, उन्होंने अपना 7/12 पे नाम चढ़वा लिया था, उसे सरेंडर करने के लिए उन्हें पैसा देने का काम किया। और ये सच्चाई को देवेंद्र जी ने राय का पर्वत बनाने की कोशिश की। जो व्यक्ति 62 साल जीवन में इस शहर में कभी भी आरोप नहीं लग पाया कि किसी अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के कनेक्शन रहे हैं, रिश्ते रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप जो भी एजेंसी है उसके सामने जाएंगे, जाइए, हम तैयार हैं। हमें लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से
किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी तो हमें लगता है देवेंद्र जी आपकी गलत फहमी है। देवेंद्र फडणवीस की माने तो उन्होंने आज जो दस्तावेज और सबूत नवाब मलिक के खिलाफ रखे हैं वो किसी एटम बम से कम नहीं है। अब नवाब मलिक ने धमकी दी है कि वो इस एटम बम के खिलाफ एक हाइड्रोजन बम लेकर आने वाले हैं, वो भी कुछ ही घंटे बाद। 100% चार प्रॉपर्टीज में अंडरवर्ल्ड का एंगल है, किंतु जैसा मैंने कहा, न ये मेरे लिए सलीम जावेद की स्टोरी है, न इंटरवल के बाद का पिक्चर है, तो ये सारे मेरे पास जो सबूत है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मैं दूंगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी जांच करेगी। देवेंद्र जी, आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है तो आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे, ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। अब देवेंद्र फडणवीस की बाकी पिक्चर में क्या है और नवाब मलिक का हाइड्रोजन बम कितना पावरफुल होगा, इसका खुलासा तो तय वक्त पर ही होगा, लेकिन ड्रग्स केस के दूसरे मोर्चों पर भी धमाके कम नहीं हैं। ABP News आपको रखे आगे।